जहां एक ओर 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव होना है, वहीं दूसरी ओर शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। वो 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। हिरासत अवधि बढ़ेगी या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। इस बीच ये जानना जरूरी है, क्या जेल में बंद व्यक्ति मतदान कर सकता है? क्या कैदी भी चुनाव लड़ सकते हैं? सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल से बात की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं india.com का लीगल शो ऑर्डर ऑर्डर। सबसे पहले जानते हैं हमारे देश में वोट कौन कर सकता है। देश का हर नागरिक जो 18 वर्ष का हो, उस व्यक्ति का निवास स्थान पर ही वोटर के तौर पर नामांकन हो, वोटिंग का अधिकार एक जगह का ही होगा। पासपोर्ट में दिए गए पते के आधार पर प्रवासी भारतीयों को सामान्य रूप से निवासी माना जाता है और उनका वोटिंग अधिकार होता है। जब हमने वकील विनीत जिंदल से पूछा क्या जेल में बंद व्यक्ति मतदान कर सकता है, जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जेल में बंद व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 625 के तहत पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति को वोट करने का अधिकार नहीं है। क्या दूसरे देशों में भी कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं है? इस सवाल का जवाब देते हुए विनीत जिंदल कहते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस जैसे देशों में कैदियों को मतदान की इजाजत नहीं है। वहीं स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड में कैदियों को वोट देने की आज़ादी है। इटली और ग्रीस जैसे देशों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को छोड़कर सभी कैदियों को वोट देने का अधिकार है। एक और सवाल, क्या जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है? विनीत जिंदल ने कहा, जी हाँ, हमारे देश में एक कैदी चुनाव लड़ सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव बबलू 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय वो सलाखों के पीछे था। सीतापुर से अपना दल के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे बबलू बरेली के सेंट्रल जेल में बंद था। कोर्ट से अनुमति के बाद बबलू ने सीतापुर आकर नामांकन किया था। इस चुनाव में बबलू हार गया था। आपको बता दें, अब हमारे देश की जेलों में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार देने की मांग उठने लगी है। इसे लेकर पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए india.com। शुक्रिया।